ए भाई दादा दादा अरुण पाटिल बाजू ना मधुन चाहेंगे कुछ कहना चाहेंगे आप क्या रहेंगी। मैं 40 साल से जो जिसके साथ हूँ, हमारा करियर का शुरुआत हमने साथ में किया था, आज गया तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी?
इट्स अ वेरी सैड इन माई लाइफ बिकॉज ही वॉज फाइन एब्सोल्युटली एट कम होम ये इलेक्शन के रिजल्ट्स के दिन और हम लोग कुछ साथ में करने वाले थे. दुख इस बात का है कि हमने तय किया कि कुछ अच्छा प्रोजेक्ट हम लोग ने डिस्कस किया. इट्स अ वेरी सैड डे इन माई लाइफ बिकॉज वी हैव बीन टुगेदर फॉर द लास्ट 40 ईयर्स. हम लोग ने हमारा प्रवास इस फील्ड में हम लोग ने साथ में किया था एक ही प्ले में अफलातून नाम का 84 में. क्या बोले ऐसे वक्त पे दोनों मतलब फैंटास्टिक एक्टर डेफिनेटली बिग एक्टर एंड अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग मोर देन एनीथिंग एल्स. यू नो ही वाज एन इंस्पिरेशन ही वाज एन आइडल माझ्या म्हणजे आमच्या वयातले सगळेच अतुल परसुरेकडे एक इन्स्टिट्यूशन एक इन्स्पिरेशन म्हणजे त्याचं कॉमेडी टायमिंग म्हणा त्याचा अभिनय म्हणा त्याची शैली म्हणा इट वॉज सगळ्याच गोष्टी खूपच छान होत्या. बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे मैं अभी दोस्तों को बता रहा था कि यू नो वेन एवर आई फील लो कभी ऐसा होता है तो अतुल का एक बिल्लू बार्बर का एक सीन है वो काफ़ी रील्स में बार बार आता रहता है. मैं ढूंढ ढूंढ के वो सीन देखता हूँ. इट इज़ सो फनी यू नो. सो ऐसा इंसान जिसने पूरी उम्र सबको हंसाया इस तरीके से एग्ज़िट नहीं लेता कोई यू नो. सो इट इज़ वेरी शॉकिंग एंड वेरी सैड फॉर ऑल ऑफ अस. वेर एवर ही इज़ आई जस्ट वॉन्ट हिम टू बी हैप्पी इन दैट प्लेस. जहाँ भी रहेगा वो लोगों को हंसाएगा यू नो. एंड मे गॉड गिव स्ट्रेंथ टू हिज फैमिली बिकॉज आई थिंक ऑल हिज फ्रेंड्स जो उसके साथ बड़े हुए हैं ऑल ऑफ देम आर शैटर्ड. सो मे गॉड गिव ऑल ऑफ अस दैट स्ट्रेंथ. थैंक यू.